स्वागत है आपका मिस्टर गाड़ी वाले की कौन नए फेस्ट फूड में आपके सामने खड़ी है एमजी हेक्टर न्यू जनरेशन वाली और इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो यहाँ पे आप ग्रिल देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा खूबसूरत जो ग्रिल है वो आपको मिल जाती है। बिल्कुल ये लगता है भाई तारे ज़मीन पर उतर के आ चुके हैं। एमजी का लोगो आपको सामने देखो मिल जाता है और नीचे आपको एडास मिल जाता है, उसके नीचे आपको क्रोम में इसकी प्लेट का डिज़ाइन देखो मिल जाएगा। रेडिएटर ग्रिल जो है वो यूज़ आपको मिल जाती है। और बात करते हैं हेडलैम्प्स की, तो यहाँ पे आपको जो हेडलैम्प्स हैं वो आपको प्रोजेक्टर रहने वाले हैं जो कि आपको एलईडी में रहेंगे। नीचे आपको फॉग लैम्प की हाउसिंग मिल जाएगी, ऊपर आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं विद डीआरएल्स, और क्रोम में ही पूरी आपकी जो ग्रिल है वो रहेगी। और बात करते हैं आपके इंजन की, तो यहाँ पे आपको टॉप एंड मॉडल आपको सेवी प्रो सीवीटी इंजन वाला ये वेरिएंट जो है वो खड़ा हुआ है। इसकी हम पावर की बात करेंगे तो मैक्स पावर ये 141 bhp और 250 nm का टॉर्क ये गाड़ी निकालती है। और बात करते हैं 4 सिलेंडर का इसके अंदर इंजन आपको इसके अंदर मिल जाता है। डायमेंशंस की बात करेंगे तो लेंथ इसकी 4699 mm की आपको लेंथ मिल जाती है। विड्थ जो है वो आपको 1835 mm की आपको विड्थ मिलती है। हाइट की बात करेंगे तो 1760 की आपको जो इसकी हाइट है वो आपको मिल जाती है। व्हील बेस जो है वो 2750 mm का आपको इसके अंदर मिल जाता है। और अब बात करते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल के बारे में, तो साइड प्रोफाइल में जो है जो अलॉय व्हील है वो डायमंड कट स्टाइल में आपको देखने मिल जाता है। टायर सेक्शन की बात करेंगे तो 215/55 R18 का आपको जो डायमंड कट अलॉय है वो आपको मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी। मॉरिस गैराजेस के यहाँ पे आपको बैजिंग आपको मिल जाती है। और यहाँ पे आपको जो 360 कैमरा है वो आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर प्लेसमेंट आपको और कैम से मिल जाएगी। रिक्वेस्ट सेंसर बटन आपको क्रोम में मिल जाता है। और अब चलते हैं गाड़ी के रेयर में, तो रेयर में दिखाते हैं आपको फुल LED सेटअप में आपको जो टेल लाइट का डिज़ाइन है वो आपको मिल जाता है। हेक्टर की बैजिंग जो है वो बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई देगी। और रेयर पार्किंग सेंसर भी आपको मिल जाता है। एग्जॉस्ट के जो ये है डमी है, एग्जॉस्ट आपको नीचे आपको मिल जाता है। और यहाँ पे आपको डिफॉगर दिया गया है, वाइपर आपको यहाँ मिल जाता है, हाइड बोन्स टॉप लैंप मिल जाता है, ऊपर आपको ट्रैफिक एंटीना और रूफ रिल्स ऑफर की गई हैं। अब चलते हैं रियर में, तो यहाँ पे रियर में जैसे आप डोर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल आपको मिल जाती है। यहाँ पे स्पीकर आपको दिया गया है और यहाँ पे आपको बॉर्डर जगह आपको मिल जाती है। यहाँ पे डिज़ाइन मिल जाता है बटन की तरह। और ये है आपका पावर विंडो बटन, ये है इन्फिनिटी के स्पीकर इस्तेमाल किए गए हैं। ट्विटर प्लेसमेंट यहाँ पे है, सिल्वर डोर हैंडल्स हैं, लेदर फिनिश आपको दी गई है। अंदर चलेंगे तो यहाँ पे आपको जो कंफर्ट है वो अच्छा खासा जो कंफर्ट है वो आपको नेक्स्ट लेवल मिल जाता है। नी रूम जो है वो अच्छा खासा आपको मिल जाता है। अंदर थाई सपोर्ट भी आपको इनफ मिलता है और बढ़िया सा आपको 3 जन आराम से बैठ जाएंगे। 60-40 seats तो आपको मिलती है। इंटीरियर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको इंटीरियर का लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैबुलस आपको देखने को मिल जाता है। बड़ी सी स्क्रीन आपको सेंटर में मिल जाती है। आगे चल के दिखाएंगे कि आपको क्या क्या ऑफर किया गया है। और ये है आपका AC वेंट्स, यहाँ पे चार्जिंग के पोर्ट आपको मिल जाते हैं, मोबाइल आराम से अपना रख सकते हैं, फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के फ्रंट में और दिखाते हैं आपको फ्रंट में और क्या क्या देखो मिल जाता है। यहाँ पे रीडिंग लाइट्स और पर्सनल आपको मिल जाती हैं। अब चलते हैं गाड़ी के फ्रंट में, ये है आपका फ्रंट डोर। और फ्रंट डोर में भी आपको लेदर फिनिश आपको ऑफर की गई है। पावर विंडो के बटन आपको यहाँ मिल जाते हैं, स्पीकर दिया गया है, ट्विटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ मिल जाती है, सिल्वर डोर हैंडल्स दिए गए हैं और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स आपको ऑफर की गई हैं। एयरबैग आपको यहाँ मिल जाता है सीट्स पे। आप चलते हैं गाड़ी के अंदर और जैसे ही आप डोर ओपन डोर जो है वो बंद करते हैं ना, उसके बाद ये है आपकी स्क्रीन जो कि बंद है। अब मैं चालू कैसे करूँ उसको, की जो की है वो डिटेक्ट नहीं कर रहा है ये, तो ये जो पैनल है वो चालू नहीं होगा। पर जो डिज़ाइन है वो कमाल धमाल जो है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पे सब कुछ आपको सॉफ्ट टच में मिल जाता है, पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है और इंटीरियर जो है वो कमाल ही आपको मिल जाता है। अभी यह हमारे तहलका भाई ने ये गाड़ी ली है तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। डिलीवरी लिया अभी हाल ही में। और यहाँ पर आपका कप होल्डर मिल जाता है, ये है आपका MG की तरफ से परफ्यूम। और ये है आपका स्लाइडर, यहाँ पे आपको पार्क असिस्ट के बटन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और ये है आपके AC के यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल्स, AC मैक्स करना है तो वो आप कर सकते हो अपने हिसाब से। और ये वेंटिलेटेड सीट्स के बटन आपको यहाँ मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन
आपको दिया गया है। तो ओवरऑल जो डिज़ाइन है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तो आपको मिलता ही है, और पैरानोमिक सनरूफ जो है वो आपको मिल जाती है, और यहाँ पे मिरर मिल जाता है को ड्राइवर साइड और ड्राइवर साइड, आपको भी एक मिरर और टिकट होल्डर दोनों ही आपको ऑफर किए गए हैं। तो डिज़ाइन वाइज तो गाड़ी काफ़ी अच्छी आपको मिल ही जाती है। और स्टेयरिंग की बात कर लें तो यहाँ पे आपको स्टेयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लेन असिस्ट के, वॉइस कमांड के, MG का लोगो आपको मिल जाता है। और बात कर लेते हैं टिल एंड टेलीस्कोप, दोनों ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, जो कि भाई साहब कमाल हो गया। और यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, अगर आपका स्टेयरिंग क्लस्टर की लाइट कम है ज़्यादा है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, है। और जो ORBMs हैं उनको एडजस्ट करने के लिए बटन आपको यहाँ मिल जाते हैं, ठीक है। तो और कुछ नहीं है गाड़ी के अंदर बताने के लिए, बहुत कुछ मैंने बता दिया, क्योंकि अगर गाड़ी चालू होती तो मैं और भी ज़्यादा फीचर आपको दिखा देता, पर गाड़ी चालू नहीं है। तो ओवरऑल यही था वीडियो, और अब चलते हैं गाड़ी के रियर में, बूट में, बूट दिखाते हैं आपको कितना क्या आपको मिल जाता है। तो गाड़ी का बूट दिखाते हैं कि कितना क्या आपको ऑफर करती है कंपनी। तो जैसे ही आप अपना बूट ओपन करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो बूट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज का मिल जाता है बूट, और यहाँ पे MG की जो ट्रे है वो आपको मिल जाती है, और यहाँ पे कर्टेंस हैं जो कि आप फोल्ड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अगर आपको कोई सामान है नहीं दिखाना है। और ये है आपका बूट लैंप, उसके नीचे आपका स्पेयर टायर है, स्पेयर टायर आपको गाड़ी के नीचे मिलेगा, यहाँ पे आपको टूल किट वगैरह देखने को मिल जाती है। स्पेयर टायर है वो गाड़ी के नीचे मिलता है, तो स्पेयर टायर नीचे मिलेगा। बूट बंद करना है तो बूट बंद करने के लिए यहाँ पे आपको बटन दे रखा है, जैसे आप अपना बटन बंद करेंगे तो बूट बंद हो जाता है। आप देख सकते हैं कि बूट बंद हो गया है, और यहाँ पे जैसे बूट बंद हो जाएगा तो दो बार जो है इंडिकेटर आपका ब्लिंक करेगा। तो यही था ओवरऑल वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को फॉलो कर लेना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड ड्राइव सेफ।